यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड की ना फीस भी काफी रीजनेबल है ऐसा मैंने सुना है। बट तो देखो धूप सेक रहे हैं ये और फोन वोन सब यहीं छोड़ दिया हमने। एंड एक ये छोटा सा व्यू दिखाता हूँ आपको गाइस। ये देखो ये है पार्किंग की, यहाँ पे £1.40 है गाइस देखो 15 मिनट के। और वो आ गया टोपी। और गाइस अभी मैंने £2 दिए थे और पीछे वाली जगह पे ऐसी रोड पे ना ₹200 पंद्रह मिनट की पार्किंग है। और अभी जहाँ पे हमने पार्किंग लगाई है वहाँ पे £2.30 1 hour के हैं। तो अब लगा लो अगर हमने 4 hours भी खड़ी करी तो हमारे £8 nearly 9-10 लग जाएंगे। बट स्टिल बेटर देन व्हाट। हाँ मतलब ये जो रोड है ना अगर ये रोड पे लगाते ना हम तो हमारे 15 मिनट के £2 है और 2 hours से ज़्यादा रुक भी नहीं सकते। तो आप लगा लो 2 × 4 £8 हमारे पर आ रहे हैं, £8 पर आ रहे हैं। एंड देखो चलान फाइन गुड लक मेट। खुश हो रहा था कह रहा है चीयर्स। चलो एनीवेज गाइस चलान बड़े कट रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो ये पोस्ट ऑफिस वाली स्ट्रीट आ गई है, यहीं कहीं पे कुछ JDs वगैरह भी है गाइस। यहाँ का भी हमें मिल नहीं रहा क्योंकि बहुत बड़ा है ग्लासगो सिटी सेंटर। एंड आगे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड है, ग्लासगो सेंट्रल कॉलेज है। हाँ आ जाओ, काफी कम फीस है ना। हाँ नहीं ओके ओके। हाँ और ये देख लो ये हमारा कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर। ये देखो ये है ग्लासगो कॉन्सर्ट हॉल है कुछ, ग्लासगो रॉयल, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते होंगे। और वो ज्यूस जॉन ल्यूइस है जैसे अपने वहाँ पे मॉल वगैरह होते हैं ठीक है। और वो देखो सामने विक्टोरिया सीक्रेट है एंड रोलेक्स भी है इधर देखो, ये आप देख सकते हो। और ये स्ट्रीट का नाम है बचनान स्ट्रीट, डोंट नो व्हाट्स दैट। बाकी देखो ऐसा कुछ है, ये भी अपनी वीडियो बनाने में लगे हुए हैं और ये दोनों अपना लगी रहती हैं दोनों, कभी फ़ोन कभी मेकअप कभी कुछ, और ये ऐसे लगे हुए हैं। तो गाइस मुझे ना अभी स्केचर्स दिखाया तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार स्केचर्स चला जाऊँ क्योंकि मेरे को अभी बहुत ड्राइव करनी है यहाँ से। 2-3 hours की मेरी न्यू कैसल की ड्राइव है, देन 3-4 hours की मेरी कोवेंट्री की ड्राइव है। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्केचर्स के शूज़ ले लूँ ज़रा कि मेरे को ड्राइव में थोड़ा कम्फर्ट रहेगा। ये स्केचर्स का शोरूम है देखो गाइस, सीधा है गाइस। ये मेरे शूज़ आ गए, मैंने 2 orders किए हैं, एक वाटरप्रूफ है और एक ऐसे स्टाइलिश वाले हैं। तो मैं देखता हूँ कि कौन से लूँगा मैं, लेट्स सी। तो गाइस ये देखो कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरे शूज़, दोनों में से कौन से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं मेरे को बताओ। ये स्केचर्स वाले ये वाटरप्रूफ एडिशन है एंड मेमोरी फॉर्म एडिशन है, ये देखो ऐसा कुछ एडिशन है। तो गाइस मैंने ये शूज़ ले लिए देखो और काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे ये शूज़। और इसकी जगह मैंने इसके बॉक्स के अंदर मैंने बैलेंसियागा वाले रख लिए हैं। चलो मैं बिलिंग करा के आता हूँ। तो गाइस फाइनली स्केचर्स के मैं ले चुका हूँ शूज़, ये मेरे डाल चुका मैं। अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ इन शूज़ के अंदर, पहले भी कंफर्टेबल थे बट ये मोर कंफर्टेबल हैं। तो मैं आपको एक बार सिटी सेंटर दिखा देता हूँ दोबारा। ये देखो गाना गा रहा है, ये गा रही है, गा रहा है, पता नहीं कौन है, ये देख लो एक बार, लड़की है लड़की। और ये इंस्टाग्राम पे लाइव है, आप इंस्टाग्राम पे लाइव हो ना। हाँ जी, तो अभी हम इंस्टाग्राम पे लाइव हैं और हम लाइव म्यूजिक भी दिखाने आए हैं इनका, तो लाइव पे लाइव दिखाया जा रहा है। और आप ये वाली वीडियो बाद में देखने वाले हो तो लाइव पे जो है वो अभी देख रहे हैं इसे। तो यार तो अगर आपको भी लाइव देखना है हमें तो प्लीज हम दोनों को इंस्टाग्राम पे ऋषभ सरदाना फॉलो कर लो, यश दुआ एंड ऋषभ सरदाना। तो यार ये देखो गाइस ये कैसा व्यू है यहाँ का। तेरी मैं कबूतर के ऊपर पैर रखने वाला था अभी, ये कबूतर। और ये देखो गाइस ये ग्रेग है सामने, और इधर देखो सामने कितनी भीड़ दिख रही है गाइस। और ये कैथीड्रल है शायद, नेल्सन मंडेला प्लेस है इस जगह का नाम। ये देखो गाइस ये है रॉबर्ट पील का कोई स्टैचू है एंड यहाँ पे ये लोकेशन है। देखो नंगे नंगे लोग लेटे हुए हैं यहाँ पे, ये धूप सेकने सनस्क्रीन वगैरह लगा के आते हैं, ये इधर आराम से धूप सेकते हैं सब ना, क्योंकि धूप की बड़ी कमी होती है UK के अंदर विटामिन डी की। हर किसी को गाइस विटामिन डी चाहिए होता है और विटामिन डी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो अगर गाइस आपको भी विटामिन डी नहीं मिलता मिल पाता है UK के अंदर अगर आप हो और नहीं भी हो तो प्लान कर रहे हो तो गाइस विटामिन मल्टी विटामिन की ना टैबलेट्स आती हैं वो लेके आ जाना, नहीं तो विटामिन डी की टैबलेट्स आती हैं। मल्टी विटामिन की ले लो गाइस वो ज़्यादा सही रहती है और सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, बड़ी टेस्टी भी होती हैं खाने में। और
काफ़ी अच्छा लगता है बस। बाकी ये देखो सब लोग ऐसे लेटे हुए हैं ना काफी। तो गाइज अभी मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, सब अपना इधर उधर हो गए हैं, तो किसी को कुछ लेना है किसी को कुछ लेना है, मेरे को कुछ लेना नहीं, मैं ऑलरेडी सब खरीद चुका हूँ पूरा सब कुछ। तो मैं भी देखता हूँ कुछ कि क्या लेता हूँ मैं भी कुछ बढ़िया, पहले तो मैं खाने की चीज़ देखता हूँ। और ये देखो यहाँ पे ये शूटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये देखो गाइस ये क्या है, देयर नेम लिव्ड फॉर एवर मोर, पता नहीं कुछ जीसस का है ये शायद ना, ये शायद उनकी पता नहीं क्या समाधि है क्या है, मुझे पता नहीं है गाइस। यूट्यूबर को देखो धूप सेक रहे हैं ये, और फोन वोन सब यहीं छोड़ दिया हमने। एंड एक ये छोटा सा व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत तेज़ धूप हो रही है यार, तो अभी टेम्परेचर मेरे ख्याल से हो रहा है मोर देन 20 डिग्री। लेट्स चेक इट आउट, तो हम फोन में चेक करते हैं कि ग्लासगो का वेदर क्या है। हे सीरी व्हाट्स द वेदर इन ग्लासगो, अभी मैं कॉल करके पूछता हूं, मैं आपको मैसेज करता हूं। सो इफ यू गाइस कैन सी, सो 21 डिग्री सीरी कह रही है, एंड इट फील्स लाइक 25 और 30 टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बहुत सनी है और ऊपर इतना तेज सन है कि देखा भी नहीं जा रहा है मेरे से तो, और ऐसा लग रहा है कि बाप रे बहुत गर्मी होने लग गई है धीरे धीरे। यहाँ पे यार गोरे लोगों को ही अच्छी लगती है धूप, हम लोग तो इंडियन हम लोग तो जो है इंडियन है, तो हमसे नहीं झेली जाती इतनी धूप यार, हमको लगता है चल भाई क्या चिपचिपी गर्मियों में बैठा हुआ है, गोरों के लिए वैकेशन है बट हमारे लिए नहीं है ये। ये देखो फ़ोन चलाने की टेक्निक देखो यार भाई की। ये देखो भाई कैसे निकल रही हैं बसेस ना, ये साइट सीइंग वाली बस है, तो देखो ज़रा कि कैसे होती है इसमें साइट सीइंग ना, कि पूरी बस फुल करते हैं, हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस कहते हैं इन्हें, लंदन के अंदर भी होती हैं ऐसी, तो हम भी जा सकते हैं। देखो गाइस ये कैसे खड़े हुए हैं, ये कह रहे थे कि इनको ऐसे खड़े होने में अच्छा लगता है, और इनकी लातों की टांगों की एक्सरसाइज भी होती है, हैं ना। ये देखो गाइस यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि यहाँ पर मैं कवर करूँगा और फाइनली मैंने कवर कर लिया। ये जो जॉर्ज स्ट्रीट लिखा है ये सामने, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड है, ये आप इस कोने से लेके देखो उस कोने तक सब कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड है। ये सारी आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ना ये ऊपर की, सारी यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड है, एंड वो है द सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज। ध्यान से देखो वो पीछे जो है, सबसे पीछे जो है वो पूरा वो ग्लासगो कॉलेज है, ऐसा कुछ भी है। ये देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा है हेनरी डायर बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड ग्लासगो। ये देखो सब कुछ लिखा है, रॉयल कॉलेज बिल्डिंग, मैककैंस बिल्डिंग, कॉलिंस बिल्डिंग, सब देख सकते हो आप ये ना, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। और गाइस यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड की ना फीस भी काफ़ी रीजनेबल है ऐसा मैंने सुना है, भाई साहब बहुत आवाज करता है। बाकी इसकी फ़ीस भी काफ़ी गाइस रीजनेबल है। और एक यूनिवर्सिटी और है एडिनबरा के पास, क्वींस मार्गरेट यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है खाली गाइस 7,000-8,000 pounds, जो क्वींस मार्गरेट यूनिवर्सिटी है वो है एडिनबरा के पास। तो स्कॉटलैंड के अंदर गाइस काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं। प्लस मेन चीज़ और, आज मैं टीके मैक्स से जब कपड़े ख़रीद रहा था ना, तो वहाँ पे जो कैशियर और वो सब उनसे मैंने बात करी, वो कह रहे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब जो स्कॉटलैंड का जो एटमोसफेयर है ना, तो मतलब यहाँ पे सब कुछ चीप भी है इंग्लैंड से। एंड ऑल्सो गाइज एक चीज़ और, यहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा कम है, बाकी ग्रीनरी वगैरह सुंदरता वगैरह इंग्लैंड की जो है ना वो स्कॉटलैंड से थोड़ी कम है, और सुंदर जो है स्कॉटलैंड ज़्यादा है और क्राइम रेट बहुत कम है यार यहाँ पे ना। तो बाकी फिर भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा और स्टूडेंट्स के लिए सेफ़ है स्कॉटलैंड इंग्लैंड से ज़्यादा। तो एनीवेज मैं आपको आगे और दिखाता हूँ चीजें। यार अभी एक ग्लासगो की वीडियो आई थी आपने देखी थी, वो स्कॉटलैंड की थी जो मार रहे थे स्ट्रीट पर। हाँ बट वो तो यार इंग्लैंड में भी होता है, हमारे कमेंट्री के अंदर फायरिंग वगैरह भी होती है सब कुछ होता है, बट जो एक ये है ना स्कॉटलैंड, कहीं ना कहीं पे ट्रेजेडीज हैपन एनीवेयर, तो ऐसा आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि ये बहुत ज्यादा सेफ है या वो बहुत ज्यादा सेफ है। बट एज कंपैरिजन टू यूके सॉरी इंग्लैंड, व्हेरेवर यू गो ट्राई टू बी सेफ, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ चले गए तो आप यहाँ खुले घूम रहे हो या परेशान कर रहे हो, या आप आगे रह के किसी से पंगे लोगे तो वो करेगा, और कोई आपसे लेके भी आ रहा है और आपको पता है ना कि हम
हम फॉल्ट में नहीं है तो उस पॉइंट पे आप उनसे भिड़ने मत जाओ, इग्नोर करके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे जब बंदा पिया हुआ होता है अपने सेंसेस खो चुका होता है। कल रात को जैसे कल रात को हम खाना लेने गए थे, हमसे उसने कुछ नहीं बोला बट आपस में ही भिड़ रहे थे, तो हम अगर वहाँ पे कमेंट भी पास कर देते ना तो उनमें से एक जना हम पे चढ़ जाता, बट हम बस तमाशा देख रहे थे। तो आओ तमाशा देखो और घर जाके सो जाओ बस, अपना उनके सामने ज्यादा हंसने की भी जरूरत नहीं है ये वो कि हाँ भाई उसकी बेइज्जती कर दी तो हंसो, बस हाँ नॉर्मली रिएक्ट करके बस अपना चले जाओ ना। रॉयल कॉलेज बिल्डिंग है ये, रॉयल कॉलेज बिल्डिंग स्ट्रैथक्लाइड की बंद पड़ी है यार ये तो अभी। तो गाइस अभी मैं हूँ सेंसबरी के अंदर और मैंने अभी वाटरमेलन और मैंगोज लिए हैं अभी, तो अभी ये देखो खाते हैं हम। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कार पार्क की तरफ, ग्लासगो में इतना कुछ खास भी नहीं है घूमने लायक, बट हाँ ओके है। बाकी हमको इंडियन रेस्टोरेंट देख रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए, बाकी जब तक के लिए इन्होंने थोड़े स्नैक्स लिए हैं ये चिकन स्ट्रिप्स, तो लेट्स सी अभी देखते हैं हम क्या करते हैं। बाकी ये है ग्लासगो का सिटी सेंटर वही, बाकी आज हम निकल जाएंगे न्यू कैसल के लिए एंड देन मैं निकल जाऊँगा अपना कोवेंट्री के लिए, लेट्स सी आगे क्या करते हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं बंटा वाला के बाहर, मतलब मैंने अभी गाड़ी पार्क करी है, ऋषभ को उसके सब्सक्राइबर मिल गए थे, हाँ जी तो ऋषभ को उसके सब्सक्राइबर मिल गए थे एक दो ना, तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया बंटा वाला रेस्टोरेंट, तो इसके अंदर हम जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा रेस्टोरेंट है। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं बंटा वाला रेस्टोरेंट, ये देखो इंडियन मार्केट एंड किचन बार, सॉरी इंडियन मार्केट किचन एंड बार, ये भी अपनी वीडियो बनाने लग गए हैं। तो गाइज ये देखो उन्होंने हमारे लिए टेबल भी बुक करके रखी थी पहले से, ये इनकी ऐसे अंदर थीम है, हमने स्टार्टर्स सॉरी ड्रिंक्स के लिए ऑर्डर कर दिए मैंगो लस्सी एंड कोक। ये गाइस हमने स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं गोलगप्पे एंड वड़ा पाव, एंड गाइस हमने चिकन टिक्का भी मंगा लिया स्टार्टर्स के अंदर। तो गाइस इसने वैसे हमें स्टार्टर्स वाली प्लेट दी नहीं थी बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं हम इसे में खा लेंगे। दाल मखनी राइस एंड हमारी दो तंदूरी रोटियां एंड एक चपाती है एंड वन छोले भटूरे की प्लेट हमने मंगवाई है, तो वो छोले भटूरे भी हमारे इधर आ चुके हैं एंड एक आलू पराठा भी हमने मंगवाया वो भी आ चुका है इधर। गाइस फाइनली थोड़ी लाइट में आ जाता हूँ मैं पहले तो हाँ वो बहुत अच्छी लाइट आ रही है। तो गाइस फाइनली न्यू कैसल पहुंच चुके हैं हम ऋषभ के घर पे, अब ये देखो ये गेट खुल चुका है, अब ऋषभ के घर में थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है और अभी हम बस उतर रहे हैं अब अपने मतलब अभी हम अपनी उससे अभी हम उतर रहे हैं बस अपनी गाड़ी से, तो सामान वामान थोड़ा रखते हैं